हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए स्पेसिफिकली जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है 2022, उसके लिए प्रैक्टिस सेट। और ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है नेक्स्ट संडे 12 जून को, ठीक है। और इसके लिए हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इस सीरीज़ के अंदर अभी तक हमने 31 सेट्स को कवर कर लिया है और ये है हमारा 32 नंबर का सेट। आई होप सो आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, क्वेश्चंस भी अच्छे लग रहे होंगे। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल के साथ में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 32 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश विद मिनिमम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिले दिए हुए हैं, इनमें से किसके अंदर सबसे कम जो है शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। तो अगर जो हम बात करें उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश में आपके जो है लगभग, ये जिलों की बात करें, 5 जिले हैं इसके अंदर शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। तो देखिए, सबसे कम जो है, यहाँ पर हम बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम आपको देखने को मिलती है बागपत के अंदर, बागपत, ठीक है। बागपत के बाद आता है इससे ज़्यादा फिर थोड़ा सा कन्नौज का इलाका जो आता है, कन्नौज में आपको देखने को मिलती है। देन बदायूं, एंड देन लास्ट हमारा आता है काशगंज, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, एक्चुअली ये आपको कई बार सीरीज में पूछा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप ये बता सकते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर क्वेश्चन मिनिमम पूछा है, मिनिमम यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बागपत, ठीक है। सबसे कम आपको जो शेड्यूल ट्राइब एरिया है वो बागपत में देखने को मिलती है, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है यहाँ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट हैज मोस्ट एफिनिटी टू द ह्यूमन ग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो इसमें पूछा कि ऑक्सीजन के साथ, बेसिकली जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है उसके साथ और ऑक्सीजन के साथ, जो सबसे ज़्यादा कौन सा वो वाला एयर पॉल्यूटेंट है जो मिक्स करता है, ठीक है, और जो हार्मफुल रहता है बेसिकली, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है 300 टाइम्स मोर रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन और जिसकी वजह से आपको हीमोग्लोबिन के अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और जो 50% ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं वो इसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं स्टिफिंग गैस के नाम से भी हम इसे जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है। ऑप्शन डी जो है यहाँ करेक्ट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर जो ह्यूमन स्कल है, ओल्डेस्ट ह्यूमन स्कल के जो अवशेष है वो आपको देखने को मिले हैं, किस जगह पर। तो ये देखने को मिले हैं आपके एक ह्यूमन स्कल्स के जो अवशेष हैं ये देखने को मिले हैं, एक जगह है उसका नाम है हथनूरा नाम की जगह है और ये जगह है एमपी के अंदर, ठीक है। और एमपी के अंदर जो वैलीज या कौन सी जगह है यहाँ पर बनती है, वो बनती है नर्मदा वैली। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, हथनूरा जो है एमपी के अंदर एक जगह है, नर्मदा रिवर वैली, वहाँ पर आपको इसके अवशेष देखने को मिले हैं ओल्डेस्ट ह्यूमन स्कल के, ठीक है। और हालांकि हम बात करें कि इंडस वैली या जो आपका गंगा यमुना इंडस वाला जो एरिया है, वहाँ पर कोई भी ऐसा अवशेष नहीं मिला है ह्यूमंस के बारे में, जो पैलियोलिथिक पीरियड का जो टाइम पीरियड था वहाँ के, ठीक है। तो ओल्डेस्ट ह्यूमन स्कल की हम बात करें तो ये है नर्मदा वैली एमपी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द किसान दिवस इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। किसान दिवस जो है ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। और किसान दिवस, या फिर आप इसको एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं नेशनल फार्मर्स डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक्चुअली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 23 दिसंबर को ही, क्योंकि इस दिन जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और चौधरी चरण सिंह जी जो थे ये किसानों के एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, ठीक है। तो उनके बर्थ एनिवर्सरी को किसान दिवस या नेशनल फार्मर्स डे के रूप में मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं CIMAP, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं लखनऊ के अंदर, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और ये ऑर्गेनाइजेशन आती है अंडर CSIR,
जो सेंट्रल सॉरी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है CSIR, उसके अंतर्गत आती है। इसकी जो स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ये हुई थी 1959 के अंदर, ठीक है। लखनऊ हेडक्वार्टर है, बट इसके कुछ जोनल बेसिकली कह लीजिए आप रीजनल ब्रांचेस भी हैं। वो कहाँ कहाँ हैं? एक तो है बेंगलुरु के अंदर, दूसरी है हैदराबाद, पंतनगर उत्तराखंड के अंदर पंतनगर, और पुरैरा आपकी जगह है। ये चार जगह यहाँ पर आपको रीजनल ऑफिस या हेडक्वार्टर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, बट जो मेन हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ के अंदर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉटल इज फिल्ड विद वाटर एंड इज अलाउड टू फ्रीज द बॉटल विल क्या होगा? क्रैक होगा। बिकॉज देखिए इसमें ये पूछा है कि जो पानी की एक बोतल है आपकी, उस बॉटल को आपने पूरा कम्प्लीटली टॉप तक उसके जो नेक तक होता है पूरा भर दिया आपने पानी से, फिर उसको आपने फ्रीजर में डाल दिया। तो जब फ्रीजर में आप उसे डाल देंगे, उसके अंदर बिल्कुल स्पेस नहीं होगा, कम्प्लीटली फिल्ड होगी। तो उसके बाद जब उसको फ्रीजर में डालेंगे तो क्या होगा, लिक्विड से जब कोई भी चीज़ सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो क्या होता है, उसका साइज एक्सपेंड होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो भाई उसको वॉल्यूम बढ़ने की जगह नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेगा, बॉटल को बस्ट कर देगा, ठीक है। तो बॉटल को जो बस्ट करेगा मतलब वॉटल एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग, बिकॉज बॉटल क्या कर देगा, क्रैक कर देगी, टूट जाएगी कहीं से, ताकि उसको एक्सपेंशन की जगह मिले। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप कर भी सकते हैं घर पे, भी कभी मूड हो, ठीक है। कोई बॉटल लीजिए छोटी सी, उसको कम्प्लीटली पानी से भरिए, फ्रीजर में डालिए, कोई एयर नहीं होनी चाहिए, कम्प्लीटली ऊपर तक पानी भरा होना चाहिए। उसके बाद जब डालेंगे फ्रीजर में, और बॉटल आपकी बिल्कुल ही, बॉटल के ऊपर आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे, ऐसा लगेगा कि फटने को तैयार है, ठीक है। तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि वाटर जो है वो अपने आप को क्या करता है, एक्सपेंड करता है जब वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है पेयर्स दिए गए हैं कि किंग्स के नाम दिए गए और उनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाएं हैं उनके नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी करेक्टली मैच्ड है यहाँ पर। तो देखिए कृष्णदेव राय हैं, ये विजयनगर एम्पायर के किंग थे, और इन्होंने लिखी थी अमुक्त माल्या, ठीक है, माल्यदा। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया, ये करेक्टली मैच नहीं है। इन्होंने लिखी थी ये वाली बुक अमुक्त माल्यदा, ठीक है। और किस लैंग्वेज में लिखी थी ये बुक, लिखी थी तेलुगु लैंग्वेज के अंदर ये लिखी गई है। पूछी जाती है कई बार अमुक्त माल्या किस भाषा में लिखा गया है, वो है तेलुगु लैंग्वेज के अंदर। देन लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन है महेंद्र वर्मन ने लिखी थी जो बुक, वो है मित्सुविलासा प्रहसन। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट आंसर है, करेक्टली मैच्ड है ये आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो मिल गया आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करें सोमेश्वर ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था दैट इज जो सोमेश्वर के द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है मानसोलासा, ठीक है। मानसोलासा मतलब बी के साथ ये वाला ऑप्शन जाना चाहिए था, ठीक है, और ए के साथ ये है। और भोजदेव हैं, इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है, या इनकी कंपोजिशन जो है वो है डी के साथ ये वाला पार्ट, ठीक है। ये है समरांगना सूत्रधार। बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका महेंद्र वर्मन और मित्सुविलासा प्रहसन, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली भारत और किस देश ने, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन, भारत और किस देश ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम जिसका नाम है टेक्नोलॉजी बेस्ड एनर्जी सॉल्यूशन इनोवेशन फॉर द नेट जीरो, ठीक है, इनोवेशन फॉर नेट जीरो नाम का बेसिकली एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा, भारत और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया भारत और USA के द्वारा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और USA की तरफ से जो एजेंसी आएगी यहाँ पर, वो उस एजेंसी का नाम है USISTEF, ये होती है आपकी दैट इज द यूनाइटेड स्टेट इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडोवमेंट फंड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इफ इन केस कभी देख जाए आपको क्वेश्चन में तो आप करेक्टली लगा सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी एंडोवमेंट फंड, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज एसेंशियल टू रेगुलेट द हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए जो मिनरल आपको बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, अधिक मतलब बहुत जरूरी है, वो होता है आपका पोटेशियम, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। पोटेशियम जो है एक एसेंशियल मिनरल सॉल्ट है जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, और इसके जो सोर्सेज की हम बात करें कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको, ये मीट के अंदर जो मिलता है, फिशेस के अंदर, ग्रेन्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, ठीक है, और कुछ वेजिटेबल्स के अंदर भी आपको ये
पोटेशियम की मात्रा आपको, मतलब वहाँ से आपको पोटेशियम सोर्स जो है आप बॉडी के अंदर इंटेक कर सकते हैं। सोडियम की हम बात करें अगर जो यहाँ पर, तो सोडियम हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के अंदर। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सोडियम, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए सोडियम, और साथ में सोडियम हेल्प करता है वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। पानी की मात्रा जो है बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करने के लिए भी आपका क्या इस्तेमाल होता है, सोडियम। ठीक है, और इसके सोडियम के सोर्सेज की हम बात करें तो इसके सोर्सेज हैं जैसे फिश या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स या मिल्क, ये सारे आपके इसके सोडियम के सोर्सेज हैं। आयरन की हम बात करें अगर जो, तो आयरन जो है हीमोग्लोबिन, मेक हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड, इसकी वजह से ऑक्सीजन, कंडक्टर ऑफ ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन से संबंधित है आपका आयरन वाला पार्ट। और जो सल्फर है, सल्फर जो है एक लाइट येलोइश कलर होता है, ये टेस्टलेस एंड ऑडरलेस सब्सटेंस आपको देखने को मिलता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेटर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज। देखिए इक्वेटर कहाँ से पास होता है, किन कंट्रीज के पास से, तो देखिए अगर जो हम बात करें तो इक्वेटर इन ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव्स, केन्या एंड युगांडा। ठीक है, इन देशों से इक्वेटर जो है आपका पास होता है। बट अगर जो हम इन देशों के अलावा बाकी देशों की बात करें तो कुल मिला के 13 ऐसे देश हैं जहाँ से इक्वेटर पास होता है। उन 13 देशों के नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए उनमें से है एक है, पहला देश उसका नाम है इक्वेडर, EUADOR, इक्वेडर। ठीक है, इक्वेडर, कंबोडिया, ब्राज़ील, गैबन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दैट इज कॉन्गो, युगांडा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, क्रीबाती, स्वाटोम और प्रिंसिपी। ठीक है, तो ये लगभग 13 देश हैं, 13 कंट्रीज हैं जहां से इक्वेटर आपका पास होता है। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो गया मालदीव्स, केनिया एंड युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कंक्लूडेड इंडिया स्किल 2021 रीजनल कॉम्पिटिशन वेस्ट जोन के लिए। वेस्ट जोन का मतलब भारत के पश्चिमी हिस्से की बात कर रहे हैं, जो आपका राजस्थान, गुजरात, MP का कुछ एरिया, या आप कह लीजिए महाराष्ट्र का कुछ एरिया, तो ये सब आते हैं वेस्ट जोन के अंदर। तो वेस्ट जोन के अंदर जो है इंडिया स्किल 2021 का जो कॉम्पिटिशन हुआ वो कहाँ पर आयोजित किया गया। देखिए इस कॉम्पिटिशन के अंदर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश ने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और ये कॉम्पिटिशन आपका देखने को मिलता है अहमदाबाद और गांधीनगर, इन दोनों जगहों पर ये ऑर्गेनाइज किया गया था, डिफरेंट डेट्स में, डिफरेंट प्लेसेस पे। तो दोनों यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। और ये आयोजित किया गया था 29th of October 2021 से लेकर 1st November 2021 तक। ठीक है, और इस कॉम्पिटिशन में अवनी पटेल जो है इन्होंने कुकिंग में, संस्कार सिंह बेकरी में, और शुभम प्रजापति ने वेब टेक्नोलॉजी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, और रोहित कुमार कुशवाहा जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है फॉर द ब्रिकलेइंग के अंदर। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इन सभी का। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, गोल्ड मेडल जीता है 3 लोगों ने जिसकी हमने बात करी यहाँ पर, तो वो 3 लोग हैं आपके, अवनी पटेल, इन्होंने कुकिंग में जीता है, संस्कार सिंह ने जीता है बेकरी के अंदर, और शुभम प्रजापति ने जीता है वेब टेक्नोलॉजी के अंदर। और जो एक सिल्वर मेडल है, ठीक है, वो जीता गया है किसके अंदर, किसने जीता, रोहित कुमार कुशवाहा ने, और ब्रिक लेन के अंदर, जो ईंटों की छवाई करते हैं ना ब्रिक लेन, उसके अंदर ये कंपटीशन जीता है। ठीक है, ये ब्रिक लेन वाला क्वेश्चन मैंने शायद कहीं देखा भी है, किसी एग्जाम में आया हुआ भी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हार्डेस्ट एलिमेंट। देखिए धरती पर सबसे ज्यादा जो हार्डेस्ट एलिमेंट है वो आपका है डायमंड। ठीक है, वो तो है, एक तो डायमंड है। अब डायमंड के बाद कौन आता है, क्योंकि दो दो के पेयर्स में है, डायमंड तो है, तो डायमंड में मतलब ये तो कट गया, ये कट गया, डायमंड में ये दोनों बचते हैं, प्लेटिनम और गोल्ड। और देखिए गोल्ड आपका मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है, बहुत जल्दी मुड़ जाता है, टूट जाता है, तो क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिए सबसे हार्डेस्ट तो डायमंड हो गया, डायमंड के बाद आता है प्लेटिनम, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और हार्डनेस जो है इसको आप मेजर करते हैं मोह हार्डनेस मॉडल से, किससे, मोस हार्डनेस मॉडुलस से आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं आप हार्डनेस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और अगर जो हम बात करें एक जो हार्डनेस है डायमंड की, अगर जो हम बात करें तो इस पर्टिकुलर वैल्यू है आपकी 10। ठीक है, कभी पूछा जाए तो आप ध्यान रखें इसे। हार्डनेस जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर जो हम बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस ऑफ द एलिमेंट्स की हम बात करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हार्डनेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे हार्ड है आपका डायमंड,
डायमंड, डायमंड के बाद आता है टंगस्टन, टंगस्टन के बाद है टाइटेनियम, टाइटेनियम देन हमारे पास रेडियम है, रेडियम के बाद आता है पॉलीबेडनम, देन हमारे पास है प्लेटिनम। देखिए इन ये बीच वाले में ऐसे कोई ऑप्शन था ही नहीं, है ना, तो प्लेटिनम हो गया। प्लेटिनम के बाद है निकल, देन ब्रॉन्ज, देन कॉपर। ठीक है, तो ये सब आते हैं आपकी लिस्ट में। ठीक है, तो ये लिस्ट भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स चंद्रगुप्त मौर्य हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ विरशला और कुलहीना, कुलहीना। ठीक है, कुलहीना और विशिला, ये चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षिला और कुलहीना के नाम से कब, मतलब ये जो वर्ड है इन दोनों को से कब संबोधित किया गया, किस टाइम में या किस बेसिकली पुस्तक के अंदर ये बात पूछी गई है। तो ये डिस्क्राइब किया गया था मुद्रा राक्षस के अंदर। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस जो है ये एक फेमस हिस्टोरिकल ड्रामा है, और किसमें लिखा गया है, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर ये लिखा गया है, जिसे कंपोज किया था विशाखा दत्त ने, विशाखा दत्त ने से कंपोज किया था इस बुक को। और इस बुक के अंदर जो लाइफ ऑफ गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य है उसके बारे में बताया गया है, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षिला और कुलहीन के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है एक संस्कृत टेक्स्ट है, ये भी क्या है, संस्कृत टेक्स्ट है, और ये किसने लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी। ठीक है, कौटिल्य ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया आवाहन स्कीम जो है ये किस चीज से संबंधित है। देखिए आवाहन स्कीम जो है ये एक इनिशिएटिव है जो इंदौर डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, एमपी के अंदर जो इंदौर शहर है एमपी के अंदर, उस शहर के अंदर एक फाइनेंस, वहाँ की एक आवाहन स्कीम है, उसमें ये किया जा रहा है कि फाइनेंशियल एड या जो होता है ना वित्तीय सहायता प्रोवाइड करी जा रही है उन नागरिकों को जिनको गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए होती है, मतलब जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की तरफ से जो बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं उनमें उनको बेनिफिट नहीं मिल पाया है, नहीं मिल पा रहा है किसी कारण से, तो उन लोगों के लिए ये आवाहन स्कीम लॉन्च की गई है इंदौर शहर के अंदर। बेसिकली ये क्या है, हेल्थ स्कीम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, ये इंदौर की है, इनिशिएटिव ऑफ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इनिशिएटिव ऑफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये है नन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये कहाँ की है, इंदौर की है। ठीक है, और इसमें सिटीजन जो आते हैं जो बेसिकली EWS कोटा जिसे कहते हैं ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उन लोगों को जो, देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक ऐसा सेक्शन बन गया है आज की डेट में जो किसी कैटेगरी में फिट नहीं होता, मतलब आप SC OBC ST का जो भी बेनिफिट्स हैं उनको आप नहीं ले सकते, जनरल वाले बेनिफिट्स तो होते ही नहीं है कोई भी। ठीक है, तो इनके लिए जो EWS कोटे वाले हैं, बीच वाले जो लोग फंस जा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं, उनके लिए ये आवाहन स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, और ये रिलेटेड है विद द हेल्थ के लिए, हेल्थ से संबंधित ये स्कीम है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंजाइम्स बेसिकली, एंजाइम्स क्या होते हैं बेसिकली। देखिए एंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली ये होते हैं आपके प्रोटीन, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, और ये मेनली बनते हैं नाइट्रोजनस सब्सटेंस से एंड अमीनो एसिड से। देखिए नाइट्रोजनस सब्सटेंस प्लस अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स के अंदर भी नाइट्रोजन होता है, तो इन दोनों से मिलकर ये बेसिकली बनते हैं। और एंजाइम्स जो हैं वो है आर बेसिकली, और दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं ये क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं। ठीक है, जो फैसिलिटेट करते हैं डाइजेशन को, और सम एंजाइम्स जैसे टाइलिन, माल्टेज, HCl, थायमिन, पेप्सिन, लिप्सिस, एमाइलेज या बाइल जूस। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, और ये सारे क्या हैं, बेसिकली आपके हैं प्रोटीन। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, और फैट की हम बात कर लें फटाफट, देख लेते हैं क्या है। फैट जो है मेन फूड है जो प्रोवाइड करता है एनर्जी ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी को आपको एनर्जी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, फैट कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, और शुगर की हम बात करें अगर जो, तो शुगर जो है ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, मेनली सुक्रोज, लैक्टोज, प्रोक्टोज, इन सब में आपको देखने को मिलता है। फिर हम बात करें अगर जो विटामिंस की, तो विटामिंस जो है ये फंक ने इन्वेंट किया था 1911 के अंदर, ये विटामिंस देखने को मिलते हैं ABCDEK, बहुत सारे विटामिंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें से दो टाइप के आपको विटामिंस होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल की हम बात करें अगर जो, तो बी और सी विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल है, बाकी जितने भी बचे हुए ADE और K, ये चारों विटामिंस क्या है, वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। देखिए एक घटना हुई थी
पार्टीशन ऑफ बंगाल की, ठीक है, उस टाइम पर वो कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये सजेस्ट किया था कि बाइकआउट किया जाए किसका, ब्रिटिश गुड का। जो ब्रिटिश, देखिए ब्रिटिशर्स क्या करते थे, भारत से कच्चा माल लेते थे, उसको अपने यहाँ भेजते थे, वहाँ पे फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, वहाँ पर वो बनाते थे, फिर वापस भारत के बाजारों में महंगे दामों में बेचते थे। तो उन चीज़ों को बाइकआउट करने की बात जो है वो कौन से व्यक्ति ने करी, ये पूछा गया है, और किसके उपलक्ष्य में, मतलब जो एक होता ना किसके विरोध में बेसिकली। तो बंगाल पार्टीशन, बंगाल का जब ये विभाजन किया गया था तो उसके विरोध में जो है ये बाइकआउट की बात कही थी, और ये कही थी कृष्ण कुमार मित्रा ने। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन सी। और ये एक फ्रीडम फाइटर थे, जर्नलिस्ट थे, लीडर थे ब्रह्मो समाज के अंदर, ठीक है, और इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, इन्होंने एक जो इनका जर्नल था बेसिकली जो पब्लिश करते थे उसका नाम था नेशनलिस्ट बंगाली वीकली, एक आती थी जिसका नाम था संजीवानी, दैट इज संजीवानी, संजीवानी, ठीक है। और 13 जुलाई 1905 के अंदर ये इन्होंने शुरू किया था, और इसके बेसिकली एडिटर भी थे, ठीक है, संजीवानी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कृष्ण कुमार मित्रा इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल्स इज यूज इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के अंदर कौन सा मिनरल इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अगर जो हम बात करें प्लैटिनम ग्रुप की, तो प्लैटिनम ग्रुप जो है वो ऑटोमोबाइल, कैटालिटिक कन्वर्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मेडिसिनल यूज के अंदर आपको इस्तेमाल किया जाता है प्लैटिनम ग्रुप। और सिल्वर जो है आपका फोटोग्राफी के अंदर, फोटोग्राफ या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी यूज होता है, ज्वेलरी के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। क्रोमियम है आपका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, HY स्टील जो है हाई स्ट्रेंथ, हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील अलॉय, या टेक्सटाइल के अंदर भी आप इस्तेमाल करते हैं, टैनिंग इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। लेड जो है आपका लेड गैसोलीन के अंदर, आपका कार बैटरीज के अंदर, पेंट्स के अंदर, और साथ में एल्यूमिनेशन के अंदर भी आपका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन था फोटोग्राफी, फोटोग्राफी कहाँ आ रहा था, सिल्वर के अंदर, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट रेट ऑफ सोलर पावर इन द कंट्री, सबसे कम सोलर पावर, देखो सोलर पावर में दैट मीन्स सोलर, सूर्य की ऊर्जा से जो बिजली बनती है उस क्षेत्र में सबसे कम जो पावर प्रोडक्शन है वो किस राज्य के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये देखने को मिलता है सबसे कम रेट आपको मध्य प्रदेश के अंदर, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, क्लियर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो ये थे 32 नंबर सेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। और कोई क्वेरी है या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या कोई और डिस्कशन करना है तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।